NCERT solution chapter 1 electric charges and field question number 23 an infinite length charge produces a field of 9 × 10⁴ newton per coulomb at a distance of 2 cm calculate the linear charge density okay to ye apne paas jo ek rod hai jo infinite length hai iske upar charge hai theek hai to yahan pe apne ko kya bola hai ki linear charge density find karna hai yani lambda find karna hai कितना ये क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसको अपन क्या बोलेंगे चार्ज अपॉन लेंथ ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई चार्ज पर यूनिट लेंथ ये अपने को फाइंड करना है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है एट डिस्टेंस आर 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से आर डिस्टेंस है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन गॉस लॉ यूज़ कर सकते हैं गॉस लॉ क्या बोलते हैं कि फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है राइट ये होता है ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अपन ने ये गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंड्रिकल ही क्यों लिया ताकि ये जो लेंथ है वो इसके अंदर आ जाए राइट ये चार्ज इसके अंदर आ जाए अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकल रहा है इस डायरेक्शन में निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से निकल रहा है ओके तो अभी फ्लक्स मैं क्या लिख सकता हूँ एक तो फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ दूसरा क्या लिख सकता हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया अब देखो यहाँ पे एरिया कौन सा देखो एक तो ऊपर वाला एरिया है एक ये नीचे वाला एरिया और एक सरफेस वाला कर्व सरफेस वाला एरिया सिलेंडर का कर्व सरफेस वाला एरिया वो वाला ठीक है तो यहाँ पे देखो नीचे से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा ना ऊपर से फ्लक्स निकलेगा तो सिर्फ इस कर्व सरफेस से फ्लक्स निकलेगा तो ये एरिया कितना होगा 2πr × h एरिया कितना होगा 2πr × h ये आपका एरिया होगा तो एरिया अपने पास जाएगा ई 2πr × h ए क्या है आपका ए आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एच क्या है हाइट है तो हाइट यहाँ पे अपन ठीक है एल ले रखा है तो एल ले लेते कोई प्रॉब्लम नहीं एल ले लेते हैं हाइट अपन एल लिख लेते हैं ओके तो अपने पास यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2πr L राइट ओके तो चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो यहाँ पे चार्ज को लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल यानी चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2πr L राइट तो देखो L L कैंसिल आउट तो अपने पास लैम्डा आ जाएगा कितना आ जाएगा ई 2πε0 इंटू आर राइट अब वैल्यू पुट कर दो देखो इसको एक बार 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ ताकि ये वैल्यू मेरे इस तरह से आ जाए ई बाई 2 4πε0 इंटू आर ओके ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को 1/4πε0 की वैल्यू पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है ये होती है ई की ई अपॉन 2 और इसको मैं के लिख सकता हूँ 1/4πε0 क्या होती है के होता है इंटू आर ओके वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे ई कितना अपने को देगा 9 × 10⁴ आर कितना है 2 सेंटीमीटर यानी 10⁻², ओके और ये 2 के की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹, ओके सोल्व करते हैं तो 9 9 कैंसिल 2 2 कैंसिल ओके 9 ऊपर जाएगा तो ये −5 −5 −4 −2 तो 10⁻⁷ आ जाएगा तो आपका लेमडा कितना आ जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ 10⁻⁷ चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कूलम पर मीटर 10⁻⁷ कूलम पर मीटर आपका क्या आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी आ जाएगा।